नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज फौजदार आपके अपने YouTube चैनल एस ट्यूटर्स अकेडमी पे आपका स्वागत है। ठीक है, शुरू करते हैं एक नई कहानी, एक नया सफर। ठीक है, बच्चों की डिमांड रहती है दोस्तों कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, कैसे चीजों को इजी बनाया जाए। ठीक है, इसी सफर को मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपन क्या सिंप्लीफिकेशन का पहला टॉपिक, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे कैलकुलेशन का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कैलकुलेशन में दोस्तों स्क्वायर्स की। ठीक है, स्क्वायर होता क्या है दोस्तों, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की पहचान क्या होती है। तो कोई भी दोस्तों नंबर जिसके ऊपर क्या हो, इवन पावर हो, तो वही किसको शो करेगा, अपने परफेक्ट स्क्वायर को शो करेगा। ठीक है, जैसे आपका 36 हुआ, ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का, ऊपर क्या है इवन पावर, तो ये क्या होगा 6 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप 49 ले लो, ये क्या है 7 का स्क्वायर, तो ऊपर क्या है पावर इवन, तो ये क्या कहलाएगा अपना, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात हुई दोस्तों किसकी, परफेक्ट स्क्वायर की। अब बात करें परफेक्ट क्यूब की। कोई भी नंबर जिसके पावर ऊपर क्या हो, ऑड पावर हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट क्यूब। जैसे आप 343 ले लो, तो ये किसका होता है 7 का क्यूब। ठीक है, तो ऊपर क्या है पावर ऑड, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आप 27 ले लो, ये किसका होता है 3 का क्यूब, तो ऊपर क्या है 3, तो ये क्या पावर ऑड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये तो बात हुई दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब की। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं और परफेक्ट क्यूब भी होते हैं, उनकी बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज क्यू। ठीक है दोस्तों, हमने स्क्वायर को किससे डिनोट किया था, जिसकी पावर ऊपर क्या हो, पावर इवन हो, और क्यूब को किससे डिनोट किया था, जिसकी पावर क्या हो, ऑड हो। ठीक है, और ऐसे नंबर जो क्या करें, स्क्वायर को भी शो करें और क्यूब को भी शो करें। ठीक है, तो इन दोनों का क्या लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम, तो ये क्या आया 6 आया। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसके की पावर में क्या हो, पावर 6, वो किसको शो करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब को। जैसे आप किसको ले लो, 64 को ले लो, ये क्या है 2 की पावर 6, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर को भी शो करेगा और परफेक्ट क्यूब को भी। आप 64 का स्क्वायर भी होता है और परफेक्ट स्क्वायर क्यूब भी होता है। ठीक है, तो ये कहानी हुई दोस्तों परफेक्ट क्यूब की, परफेक्ट स्क्वायर की, और परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब की। अब बात करें दोस्तों, जैसे 1 से 1000 नेचुरल नंबर लें, तो आपके कितने तो आपके क्यूब बनते हैं, ठीक है, कितने आपके स्क्वायर्स बनते हैं और कितने आपके परफेक्ट क्यूब बनते हैं। तो बात करें परफेक्ट स्क्वायर की, तो 1000 का क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये कितना आएगा 31 पॉइंट कुछ आएगा 23, इसको इन टर्मों को नेगलेट लेंगे। ठीक है, ओनली इंटीजर फॉर्म लेंगे, तो क्या आया टोटल 31 नंबर आए, तो ये 31 नंबर क्या है। और परफेक्ट क्यूब की बात करें, क्यूब रूट लेंगे किसका, 1000 का, तो ये कितना आएगा 10 आएगा, तो अपने 10 नंबर क्या होते हैं 1 से 1000 के बीच में क्यूब होते हैं। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर और एज वेल एज क्यूब जो दोनों को शो करें, तो वो अपने कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं। ठीक है, 3
थाउजेंड लेंगे, थाउजेंड का तो ये कितने आएंगे, तीन नंबर आएंगे। वो कौन कौन से होते हैं, वन होता है, 64 होता है और 729 होता है, ठीक है। तो ये कहानी हुई दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट क्यू एज वेल एस। अब पहले बात करते हैं उन स्क्वायर्स की जिनके पीछे क्या आता है, फाइव आता है, उनको कैसे सोल्व करें, ठीक है। स्क्वायर एंड विद फाइव, ठीक है। जैसे आप 15 ले लो, अब 25 ले लो, अब 35 ले लो, अब 45 ले लो, अब 55 ले लो, अब 65 ले लो, अब 75 ले लो, अब 85 ले लो, कोई नंबर ले लो जिनके पीछे क्या है, फाइव आता हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जिनके भी पीछे क्या आता है, फाइव आता है, तो उनके लास्ट की टू टर्म्स क्या कर देंगे, अपन फिक्स कर देंगे, ठीक है। वो क्या है, 25। अब जो उसका फर्स्ट टर्म है उसको नेक्स्ट टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वन का नेक्स्ट टर्म क्या है, टू, तो वन इंटू टू, टू। अब 25, तो पीछे यूनिट डिजिट क्या है अपना, फाइव, तो लास्ट के टू टर्म क्या कर देंगे, अपन फिक्स कर देंगे। और जो फर्स्ट टर्म है उसको नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू का नेक्स्ट टर्म, थ्री, थ्री टू या सिक्स। अब क्या है, 35, तो यूनिट डिजिट क्या है, फाइव, तो उसके लास्ट के टू डिजिट क्या कर देंगे, अपन फिक्स कर देंगे। और फर्स्ट टर्म क्या है, थ्री, थ्री फोर या ट्वेल्व। एक क्या है, 45, पीछे क्या है, यूनिट डिजिट फाइव, तो यू फिक्स कर देंगे क्या, 25। और फर्स्ट टर्म क्या है, फोर, उसको नेक्स्ट टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, फोर फाइव जा 20, ठीक है। क्या है, 55, तो यूनिट डिजिट क्या है, फाइव, तो नेक्स्ट टर्म, लास्ट टू टर्म्स क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। और जो फर्स्ट टर्म है उसको नेक्स्ट टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सिक्स फाइव जा 30। ये क्या है, 60, 65, ठीक है। लास्ट टू टर्म्स 25, और 6 का नेक्स्ट टर्म क्या है, 7, 7, 6, 42। ये क्या है, 75, तो लास्ट टू टर्म्स 25, और नेक्स्ट टर्म क्या है, 7 का 8, 8, 7 जा 56, ठीक है। 85, ठीक है, लास्ट टू टर्म्स फिक्स कर देंगे 25, और 8 का नेक्स्ट टर्म क्या है, 9, 9, 8 जा 72। अब क्या है, 95, तो लास्ट टू टर्म्स क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। और 9 का नेक्स्ट टर्म क्या आता है, 10, 9, 10, 9 जा 90, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। जैसे आप ये ले लो, 105, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या आएगा, 25 है यूनिट डिजिट, तो लास्ट टू टर्म्स क्या आएंगे, 25। और 10 का नेक्स्ट टर्म क्या आता है, 11, 11 इंटू 10, 110, ठीक है। ये कहानी हुई दोस्तों उन स्क्वायर्स की जिनके पीछे क्या आता है, फाइव आता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों जिनके पीछे फाइव नहीं आता, उनको कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, आपके जो 1 से 30 तक आपको स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे 1 का हुआ, ठीक है, 2 का हुआ 4, 3 का हुआ 9, 4 का हुआ 16, 5 का हुआ 25, 6 का हुआ 36, 7 का हुआ 49, है ना, 6 का, 8 का हुआ 64, 9 का हुआ 81, ठीक है। आपको ये 30 तक लर्न करने, इनके बिना आप चीजों को इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, या फिर मैं पीडीएफ उसमें डलवा दूंगा, लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों उन स्क्वायर्स की ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, किसी भी स्क्वायर्स को निकालने के लिए एक बेस वैल्यू मानते हैं, ठीक है। आपको भी पता है, आप अर्थमेटिक वगैरह में हर चीज को 100% मानते हैं अपन चीज के,
कोई भी चीज है, ये चीज है, ये भी अपने आप का क्या है 100% है, ठीक है। हर चीज अपन कैलकुलेट करते हैं वो 100% पर करते हैं, ठीक है। आप परसेंटेज वगैरह भी देख लेते हो, ठीक है। तो एक बेस वैल्यू मानते हैं अपन 100, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों उन स्क्वायर्स की जो क्या हो 100 से ग्रेटर देन हो। ठीक है, जैसे 105 हुआ, 103 हुआ, ठीक है, 102 हुआ, 103 हुआ, 104 हुआ, 106 हुआ, ठीक है, 107 हुआ, 108 हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे अपन जो यूनिट डिजिट है उसका तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, कितना 0.4, और फिर देखेंगे ये बेस वैल्यू से कितना ज्यादा है, ठीक है। बेस वैल्यू क्या है अपनी 100, अपन वैल्यू क्या है अपनी 102, दो ज्यादा है तो जितना ज्यादा है ना उसको उतना ही ऐड कर देंगे। तो 102 प्लस 2 कितना हुआ 104.04। फिर देखेंगे 103 कितना ज्यादा है बेस वैल्यू से, 3 ज्यादा है तो उसका क्या करेंगे सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है। कितना ज्यादा बेस वैल्यू से, 3 ज्यादा तो उसमें 3 और ऐड कर देंगे, तो ये कितना 106.09। ये क्या है 104, बेस वैल्यू से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, और कितना ज्यादा 4 ज्यादा बेस वैल्यू से तो उसमें 4 और क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 104 प्लस 4 108.16, ठीक है। ये क्या है 116, तो सबसे पहले बेस वैल्यू से कितना ज्यादा 6 ज्यादा तो 36, ठीक है। कितना ज्यादा 6 ज्यादा है तो इसमें 6 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये कितना 112.36, ठीक है। 107 कितना ज्यादा 7 ज्यादा तो 7 का स्क्वायर 49, तो इसमें 7 तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये कितना 114.49। ये कितना 108, तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर 64, बेस वैल्यू से कितना ज्यादा 8 ज्यादा तो इसमें 8 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये कितना 116.64, ठीक है। और भी वो ले लेते हो आप, और भी एग्जांपल ले लो, एक सौ नौ, ठीक है, 111, 112, ठीक है। तो 109 कितना बेस वैल्यू से कितना ज्यादा 9 ज्यादा तो 9 का स्क्वायर 81, और कितना ज्यादा है बेस वैल्यू से 9 तो 109 प्लस 9 कितना हुआ ये आपका 118.81, ठीक है। ये क्या है 111, तो सबसे पहले बेस वैल्यू से कितना ज्यादा 11 ज्यादा तो उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों इधर अपन को दो ही डिजिट लेनी है, जो एक डिजिट होगी उसको क्या कर देंगे इधर फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। कितना ज्यादा है 111, तो 111 और 11 121 और 121 एक कैरी, तो ये कितना 122, ठीक है। 112 12 ज्यादा है तो 112 का 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। एक क्या जाएगा कैरी जाएगा, तो 112 में 12 ऐड करेंगे तो 124, एक कैरी अपना तो ये कितना 125। तो ये कहानी हुई दोस्तों 100 से ग्रेटर देन की, ठीक है। अब बात करें दोस्तों बेस वैल्यू से क्या, लेस देन की, ठीक है। जैसे 98 हुआ अपना,
99 हुआ, ठीक है, 97 हुआ, 96 हुआ, 94 हुआ, 92 हुआ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, कितना कम है बेस वैल्यू से, दो कम है, तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और कितना कम है, दो कम है, तो ग्रेटर देन में क्या कर रहे थे, जितना ज्यादा था उसको उतना ही ज्यादा दे रहे थे। इसमें क्या करना है दोस्तों, जितना कम है उससे और इतना कम कर लेना है, ठीक है। वो कह रहे हैं ना अपनी भारतीय जनता है, अमीर को अमीर करी जा रही है, गरीब को गरीब करी जा रही है, तो वही कहानी इसमें, जो जितना कमा रहा है उसको और इतना मिल रहा है, जो जितना गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। तो 98 में से कितना कम कर देंगे, दो कम कर देंगे, तो ये कितना 9604, ठीक है। 99 की बात करें तो कितना कम है, बेस वैल्यू से वन कम है, तो वन का स्क्वायर 01, ठीक है। और कितना कम है, 91 माइनस वन कितना, 98, 97, तो कितना कम है बेस वैल्यू से, तीन कम है, तो तीन का 09। और कितना कम है, तीन कम है, तो इसमें से तीन क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वो कितना 94। ये क्या है 96, तो कितना कम है, चार कम है, तो चार का स्क्वायर 16। और कितना कम है, चार कम है, तो 96 माइनस 4 92। ये कितना है 94। कितना कम है, छह कम है, तो छह का 36। 94 माइनस 6 तो ये कितना 88। 92, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 8 कम है, तो 8 का 64। 92 माइनस 8 कितना 84, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लो, 88 ले लो, तो कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का 144, एक कैरी इधर चला जाएगा। और कितना कम है, 12 कम है, तो ये कितना आपका 6, और ये कितना 7, और एक कैरी, तो ये कितना आएगा 77444, ठीक है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, आप इजीली क्लियर काउंट कर सकते हो अब तो, 100 से लेस देन और 100 से ग्रेटर देन, ठीक है। अब बात करें दोस्तों किसकी, जो नियर बाय होते हैं किसके, फिफ्टी के, ठीक है, फिफ्टी के नियर बाय होते हैं, उन स्क्वायर्स की बात करें, ठीक है। सबसे पहले लेंगे ग्रेटर देन 50, तो दोस्तों हम मान के चले बेस वैल्यू क्या 100, और 100 को 50 तक पहुंचने में कितना हाफ करते हैं, तो वही जो वैल्यू आए, नंबर आए, उसको क्या करना है, अपन को हाफ करना है। जैसे एग्जांपल ले लो आप, 53, 54, ठीक है, 56, ठीक है, 58, 59, 52, 52, तो वही कहानी दोस्तों, बेस वैल्यू से कितना ज्यादा है, ये तीन ज्यादा है, तो तीन का स्क्वायर 9। और कितना ज्यादा है, तीन, तो तीन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो वो कितना 56। अपन बेस वैल्यू क्या मान के चले थे 100, तो इसका 56 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो ये कितना 28009। 54 बेस वैल्यू से कितना ज्यादा, चार ज्यादा, तो चार का 16। और कितना ज्यादा है, ये चार ज्यादा है, तो चार इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 58। और 58 का आधा क्या 59 16, ठीक है, 56 कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, तो 6 का 36, ठीक है। और 6 ज्यादा है, तो 6 क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो ये कितना 62। और 62 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो ये कितना 31 36। ये क्या है 58, तो 58 कितना ज्यादा है, बेस वैल्यू से 8 ज्यादा है, तो 8 का 64, ठीक है।
कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे तो ये कितना 66, फिर 66 का क्या करेंगे हाफ करेंगे क्योंकि हमने बेस वैल्यू क्या है अपनी 100 है, तो ये कितना 3364। अब क्या है 59, तो कितना ज्यादा बेस वैल्यू से 9 ज्यादा, तो ये कितना है 9 का स्क्वायर 81। ठीक है 59, 9 ज्यादा है तो 9 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना 68। ठीक है फिर 68 का क्या करेंगे हाफ करेंगे तो ये कितना 34, 81। फिर क्या है 52, बेस वैल्यू से कितना ज्यादा 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर 4, और 52 में क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो ये कितना 54, और 54 का क्या करेंगे अपन हाफ करेंगे तो ये कितना 2704। तो ये बात हुई दोस्तों 50 से ग्रेटर देन स्क्वायर्स की। अब बात करें 50 से लेस देन की। जैसे आप 49 ले लो, 48 ले लो, 47 ले लो, ठीक है 46 ले लो, ठीक है 44 ले लो, 43 ले लो, ठीक है 42 ले लो, ठीक है 41 ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखना है ये बेस वैल्यू से कितना कम है, एक कम है तो एक का स्क्वायर क्या करेंगे 0 1 करेंगे, ठीक है, और फिर एक कम है तो इसमें से क्या करेंगे एक कम करेंगे तो ये कितना 48। अपन की बेस वैल्यू क्या चल रही थी 100 चल रही थी, तो इसका क्या करेंगे हाफ करेंगे तो 48 का हाफ 2401। 48 कितना कम है बेस वैल्यू से, 2 कम है तो ये कितना 2 का 4, 48 में से 2 कम है तो वो करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो ये कितना 46, 46 का क्या करेंगे हाफ करेंगे तो ये कितना 2304। अब क्या है बात 47 की, तो कितना कम है बेस वैल्यू से, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 09, बेस वैल्यू से कितना कम 3 कम तो ये कितना 44, और 44 का क्या करेंगे फिर अपन हाफ करेंगे तो ये कितना 2209। ठीक है अब बात करें 46 की, तो कितना कम है बेस वैल्यू से, 4 कम है तो ये कितना 16, फिर क्या करेंगे बेस वैल्यू से 4 कम है तो 4 क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना 42, फिर क्या करेंगे इसका हाफ करेंगे तो ये कितना 2116। ठीक है अब बात करें 44 की, तो कितना कम है 50 से, 6 का क्या करेंगे स्क्वायर 36, और फिर क्या करेंगे इसमें से जितना कम है उसमें से और कम करेंगे तो 44 माइनस 6 38 का क्या करेंगे अपन हाफ करेंगे तो ये कितना 1936। ठीक है 43 कितना कम है 50 से, 7 तो क्या करेंगे उसको स्क्वायर करेंगे तो वो कितना 49, और 43 में से क्या करेंगे 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना 36, और 36 का क्या करेंगे फिर हाफ करेंगे तो ये कितना 1849। अब बात करें 42 की, तो 42 कितना कम है 50 से, 8 कम है तो 8 का 64। ठीक है और 42 8 कम है तो 8 क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना 34, फिर 34 क्या क्या करेंगे हाफ करेंगे तो ये कितना 1764। फिर क्या आती है 41, कितना कम है 50 से, 9 तो ये कितना 81, और 9 क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना 32, और 32 का क्या करेंगे फिर हाफ करेंगे तो ये कितना 1681। ठीक है दोस्तों ये बात हुई 100 से ग्रेटर देन की, 100 से लेस देन भी बताया आपको, फिर आपको 50 से लेस देन भी बताया, 50 से ग्रेटर देन भी बताया। अब बात करें बड़े बड़े नंबरों की, जैसे दो सौ से ग्रेटर देन ले अब नंबर। ठीक है अपन बेस वैल्यू क्या मान के चले थे 100, और 100 को 100 तक पहुंचने में क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है तो वही कहानी करेंगे,
जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 202, 203, 204, ठीक है, 206, 208, ठीक है, 209, कोई भी ले लो आप, ठीक है। तो वही कहानी, 202 बेस वैल्यू से कितना ज्यादा, दो ज्यादा, तो दो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना, 0, 4, और कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है, तो जितना ज्यादा उसको क्या करेंगे, उतना ही और दे देंगे, तो ये कितना, 202 + 2, 204। अब हमने बेस वैल्यू क्या मानी थी, 100। हम बात किस पे कर रहे हैं, 200 पे कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 2 का इन 2 करेंगे, तो ये कितना, 408, 0, 4, ठीक है। 203 का, तो सबसे पहले जितना ज्यादा है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, तो उसमें 3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना, 206, फिर उसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो ये कितना, 412, 0, 9। फिर क्या है, 204, सबसे पहले क्या है, बेस वैल्यू को देखेंगे कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कितना, 16, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 40 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो ये कितना, 416 और 16, ठीक है। अब बात करें 216 की, 206 की, तो कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, तो इसका क्या करेंगे, 6 का 36, फिर कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, तो इसमें 6 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर बेस वैल्यू अपनी क्या मानी थी, 100, हम बात किस पे कर रहे हैं, 200 की, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, 424, 36, ठीक है। 208 कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, तो 8 का 64, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 208 + 8, 216, और 216 का क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो ये कितना, 432, 64, ठीक है। 209 सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना, 81, और 9 क्या इसमें क्या क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 9 ज्यादा है ना, तो 9 और 9, 218, बेस वैल्यू अपनी क्या चल रही है, 100, बात इस किस पर कर रहे हैं हम, 200 पे, तो इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो ये कितना, 436 और 81, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लो आप, ले लो 400 212, तो 12 का क्या करेंगे, 144, दो ही डिजिट रखते हैं, तो एक क्या चला जाएगा, कैरी, और 400 212 है, और 212 में प्लस 212 400 224, और 224 का क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो ये क्या, 448 44, तो ये कहानी हुई दोस्तों 200 से ग्रेटर देन की, ठीक है। अब बात करें 200 से लेस देन की, लेस देन 200 की, तो कितना, 199 का स्क्वायर, 198 का स्क्वायर, ठीक है, 197 का स्क्वायर, ठीक है, 196 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे वही कहानी, अपन बात किस पे, बेस वैल्यू अपनी क्या थी, 100, बात किस पे कर रहे हैं, 200 के नियरेस्ट है ये, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वही कहानी, 199 है, बेस वैल्यू से कितना कम है, 1 कम है, तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और कितना कम है, 1 कम है, तो उसमें से क्या कर लेंगे, और ले लेंगे, तो ये कितना, 99 - 1, तो ये कितना, 198, 0, 1, ये कितना है, 198, कितना कम है 200 से, बेस वैल्यू से, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर, 0, 4, और कितना कम है, 2 कम है, तो इसमें से 2 और कम कर लेंगे, तो ये कितना, 196,
इसका क्या करेंगे, डबल बेस वैल्यू से दो ज्यादा है तो दो का जीरो चार, और कितना कम ज्यादा है, दो ज्यादा है तो जिसमें दो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 304। फिर क्या करेंगे, बेस वैल्यू हमने क्या मानी थी, 100 मानी थी, हम कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं, तीन पे कर रहे हैं, तो तीन से क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना 912204। ठीक है, और भी ले लो 304 ले लो जैसे, तो कितना ज्यादा है, चार ज्यादा है तो चार का 16, और कितना ज्यादा है, चार ज्यादा तो चार इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये कितना 308। फिर इसका क्या करेंगे, तीन गुना करेंगे तो ये कितना 924 16। ठीक है, आप 500 के भी नियरेस्ट ले सकते हो, ठीक है, 500 से ग्रेटर देन, जैसे एग्जांपल ले लो 500 दो, ठीक है, बेस वैल्यू क्या है अपनी 100, 500 तक पहुंचने में कितना 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या है 502, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका जितना ज्यादा है उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या करेंगे जितना ज्यादा है उसमें कितना करेंगे ऐड करेंगे तो ये कितना 504। बेस वैल्यू क्या है अपनी 100, बात किस पे कर रहे हैं 500 पे, तो उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 25 20 04। ठीक है दोस्तों, अब अब 450 के जैसे बात करें, 452 की बात करें, ठीक है, अब इसको आप बेस वैल्यू क्या मानेंगे 450, ठीक है, और हमनी अपनी बेस वैल्यू क्या है 100, ठीक है, 450 तक पहुंचने में कितना 99/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो 452, ठीक है, तो कितना ज्यादा बेस वैल्यू से, दो ज्यादा है तो दो का स्क्वायर 04, ठीक है, फिर क्या करेंगे जितना ज्यादा उसमें ऐड करेंगे तो ये कितना 454। तो बेस वैल्यू क्या है अपनी 100, हम बात किस पे कर रहे हैं 450 पे, तो 9/2 से किसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 9 × ये कितना है 542, और ये कितना 54 कितनी बार जाता है 27 बार, ठीक है, तो 9 × 227 × 04, ठीक है, ये कहानी होती है दोस्तों, ठीक है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी स्क्वायर नंबरों का, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, चीजों को इस चीज पे प्रैक्टिस करें दोस्तों, क्योंकि आपसे ये चीजें काफी डायरेक्ट वे में कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, सारी इनडायरेक्ट वे में चीजें, पर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है अपने किसमें एग्जाम्स में, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।